हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी पे। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फूड हैबिट्स ऑफ हरप्पन पीपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, फिश वॉज नॉट इंक्लूडेड इन हैबिट ऑफ हरप्पन पीपल। सेकेंड स्टेटमेंट, कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ राइस वॉज कॉमन। और ये ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स जो भी इसमें से सही है उसके बेसिस में हमें इसका आंसर देना है। आप इस वीडियो को तो पॉज करके इसका जो भी आंसर है आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब ना तो स्टेटमेंट वन सही है ना तो स्टेटमेंट टू। हरप्पन सिविलाइजेशन में वीट के ट्रेसेस मिले थे, राइस के नहीं। सो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिगार्डिंग बरियल्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। सो स्टेटमेंट वन, ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। स्टेटमेंट टू, हरप्पन्स बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। सो फ्रेंड्स, अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बरियल्स की बात करें तो कॉफिन बरियल सिस्टम पाया गया था हरप्पा में। जो बॉडी होती थी उसको श्राउड में रैप कर दिया जाता था और उसको फिर एक वुडन कॉफिन के अंदर उसको प्लेस कर दिया जाता था, विच वॉज इंटॉम्ड इन अ रेक्टेंगुलर पिट सराउंडेड बाय विद बरियल्स ऑफरिंग इन पॉटरी वेसल्स। लोथल में अगर हम बात करें, लोथल जो हरप्पन सिविलाइजेशन की एक प्लेस थी, लोथल जो हर एक ग्रेव थी उसमें पेयर ऑफ स्केलेटन्स पाए गए थे, एक मेल और एक फीमेल के, जो बरियल्स थे पिट फॉर्म में थे और जो कभी कभी जो पिट्स होते थे उसमें ब्रिक्स वगैरह भी पाए गए थे। तो जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंड ओनली, हरप्पन्स बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड, मतलब हमारा ऑप्शन बी ओनली टू, ये है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चहुंदरो। दिस स्टेटमेंट वन, द साइट वॉज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेटलमेंट, लेस देन 7 हेक्टर्स, वॉज लोकेटेड एट प्रेजेंट डे राजस्थान। स्टेटमेंट टू, द साइट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एक्सेट्रा। ऑप्शन हैं ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, अगर हम चौंदरों की बात करें तो चौंदरों एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसमें बिलोंग करता है। जो साइट है लोकेट करती है 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो, सिंध पाकिस्तान में। एंड जो सेटलमेंट है इनहेबिट की गई थी 4000 से 1700 BC के बीच में। एंड इसे कंसिडर किया जाता है सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्निनियल बीड्स। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब द साइट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एक्सेट्रा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ वेरी हाई ब्लू स्टोन, लैपिस लजूली। ऑप्शंस हैं ए साउथ इंडिया कर्नाटका, बी भरूच, सी शोटुघाई, डी बालाकोट। सो हमें इसका राइट आंसर बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शोटुघाई इज द राइट आंसर, जहाँ पे लैपिस लजूली जो एक ब्लू स्टोन है इसके बहुत ही सोर्स पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, हरप्पन यूजुअली सेंड एक्सपीडिशन टू एरिया सच एज राजस्थान एंड साउथ इंडिया फॉर रॉ मटीरियल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, द गणेश्वरा जोधपुरा कल्चर इज फेमस फॉर इज डिस्टिंक्टिव हरप्पन पॉटरी एंड ग्रेट वेल्थ ऑफ कॉपर। ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। सो हमें इसका राइट आंसर बताना है। इफ़ यू नो द आंसर पॉज द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें भी आपका पता चले कि यू पीपल नो द आंसर्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन, मीन्स ओनली स्टेटमेंट वन इज द राइट आंसर। हरप्पन यूजुअली सेंड एक्सपीडिशन टू एरियाज सच एज राजस्थान एंड साउथ इंडिया फॉर रॉ मटीरियल्स।
अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कॉपर के लिए भेजते थे साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए एक्सपेडिशन इन एरियाज में जाते रहते थे। सो हमारा राइट आंसर है दैट इज स्टेटमेंट वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट साइट मगन डेसिफर्ड फ्रॉम मेसोपोटामियन टेक्स्ट इज फेमस फॉर। ऑप्शन ए हाजा बर्ड, बी लैपिस लजुली, सी राइस कल्टिवेशन एंड डी कॉपर। हमें इसका आंसर बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महाजनपद्स। महाजनपद्स के रिगार्डिंग हमें आंसर बताना है। स्टेटमेंट वन, ऑल स्टेट्स हैव अक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। स्टेटमेंट टू, मगध बिगेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद जस्ट बिकॉज ऑफ गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड रूथलेस एम्बिशियस किंग। स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स, अगर हम महाजनपद्स की बात करें तो महाजनपद्स 16 उससे राज्यों से कंसिस्ट करता था, अंगा, मगध, वाजी, मल्ला, काशी, कोशाला, वत्सा, छेदी, कुरु, पंचाला, शुरुसेना, मत्स्या, अवंती, अश्माका, गांधारा, कंबोजा। तो ये 16 राज्य थे जो महाजनपद जिसको मिला के महाजनपद बनाए गए थे। अगर हम मगध के राइज की बात करें तो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इंडिया की 6th सेंचुरी BC के बाद से हिस्ट्री जो स्ट्रगल रहा है चार स्टेट्स के बीच, मगध, कोशाला, वात्सर, अवंती, अपनी अपनी सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए उनके बीच में स्ट्रगल रहा है। अल्टीमेटली जो किंगडम था मगध का, एक मोस्ट पावरफुल किंगडम की तरह एमर्ज हुआ एंड सक्सीड हुआ कि एक वो एम्पायर को खड़ा कर सके। इसके मगध के खड़े होने का मतलब राइज होने का रीजंस क्या थे? पहला चीज़ कि मगध एक एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजिशन इन्जॉय करते थे जो उस टाइम के आयरन एज में, बिकॉज जो रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स थे वो कहाँ पे? राजगीर में ही थे, जो कि पास था उसके, जो अर्लीस्ट कैपिटल था मगध का, उसको यूज़ किया जाता था वेपन्स को बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो मगध था वो एक तरीके का सेंटर था मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के लिए, एलुवियल एक क्लियर करता था जंगल को पूरा एलुवियल्स के लिए, तो इमेंस फर्टिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब कुछ रीजंस थे कि जो मगध था वो महाजनपद में एक अलग किंगडम, एक तरफ सुप्रीम किंगडम की तरह उभर के आया था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस जो स्टेटमेंट वन में मेंशन किया है ऑल स्टेट्स, यहाँ पे ऑल स्टेट्स के पास में स्टैंडिंग आर्मीज और एक मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज नहीं थी, कुछ स्टेट्स के पास ही थी, सभी के पास नहीं, तो ऑटोमेटिकली दैट ये आंसर जो है गलत हो जाता है। और जो मगध था, यस, बहुत ही पावरफुल बना था महाजनपद बाकी किंगडम्स के कंपेरेटिवली, उनके पास आयरन के सोर्स भी बहुत अच्छे थे, बट द थिंग इज रूथलेस एम्बिशियस किंग्स, दैट इज नॉट राइट। सो हमारा राइट आंसर दैट इज नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन, द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन हैज बीन मेंशन इन अशोकास धम्म। ऑल द पिलर्स, स्टेटमेंट टू, ऑल द पिलर्स इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें से हमें राइट आंसर निकालना है। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे अशोका धम्म की बात कही है, तो अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका जो थे ये बिंदुसार के मतलब बेटे थे, एंड अशोका धम्मा इसे एक रिगार्ड के सेक्रेटेरियन फेथ की तरह रिगार्ड किया जाता है। इसके कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखे एंड लोगों को ज्ञान दे कि उन्हें अपने पेरेंट्स की, उनके एल्डर्स की उन बातों को ओबे करना चाहिए, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करें, बुद्धिस्ट मॉन्ग्स को, एंड कुछ मर्सी शो करें स्लेव्स और सर्वेंट्स को। एंड ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव वेल, उन्होंने कहा कि अगर लोग अच्छे से बिहेव करेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि निर्वाणा मिलेगा जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग का एक अल्टीमेट गोल था, ऐसा कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपने अशोका धम्मा में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन, ओनली स्टेटमेंट वन इज द राइट आंसर दैट इज
ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन अदर दैन वंस ओन हैज़ बीन मैंशन इन अशोका धम्मा. मैंने अभी आपको बताया कि अशोका धम्मा में ये सब चीज़ें मैंशन की गई थी कि एक इंसान को इन सब रिलीजन की, स्लेव्स की, सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स की ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए. मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द टाइटल देवपुत्र इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइनीज रूलर वॉज अडॉप्टेड बाय ऑप्शन ए पांड्यास, बी सत्वाहनास, सी शाखास, डी कुशानास. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कुशानास. सो फ्रेंड्स अगर हम कुशानास की बात करें तो द कुशानास वर वन ऑफ द फाइव योची क्लांस ऑफ सेंट्रल एशिया. इन्होंने रिप्लेस किया था प्रतिहान से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एंड एक्सपैंड किया था लोअर इंडस बेसिन एंड अपर मिडिल गैंगेटिक बेसिन में. तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन डी. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कुशानास थे. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द उजाहवार मेंशन इन अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट वर ए प्लॉमेन, बी स्लेव, सी लैंड ओनर्स, डी सोल्जर्स. सो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू तमिल लिटरेचर के हिसाब से जो लार्ज लैंडलॉर्डर्स थे, लैंड ओनर्स थे जो विलेज में रहते थे उन्हें विलेलार्स कहा जाता था. ऑर्डनरी जो प्लॉमैन थे उन्हें उजावार कहा जाता था. सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए प्लॉमैन को उजावार कहा जाता था. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग. और भी हमारी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.